नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Pro 4G versus Oppo K10 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच जबकि K10 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच जबकि K10 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम जबकि K10 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Pro 4G में AMOLED जबकि K10 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Note 12 Pro 4G में 20:9 जबकि K10 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 Pro 4G में 1080x2400 और K10 5G में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Pro 4G में 85.62 जबकि K10 5G में 84.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि K10 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और K10 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और K10 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 और K10 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 Pro 4G में 256GB जबकि K10 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB जबकि K10 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 3 कलर्स जबकि K10 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Pro 4G 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें K10 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Note 12 Pro 4G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo K10 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Nokia G21 है, तीसरा Samsung Galaxy A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।